अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आज़म महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। डेयर मैथ में आज मेरे साथ है मिस्टर सादा सिंह। देख रहे हैं आज हम दोनों मिलके एक ऐसा मैजिकल टेबल आपको सिखाने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उसको, वैसे देखें आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प टेबल होगा। उस टेबल में हम क्या करने वाले हैं इसके लिए आपको वीडियो के साथ रहना होगा। चलिए जी फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर मिस्टर साथ से कहूंगा कि आप 22 से लेकर 99 तक कोई एक नंबर मुझे बताएं। इसके दरमियान में मैं उस नंबर पर इसके अंदर फिर इस तरह से लिखूंगा कि ये आप इसको हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे तो तब भी उसका सम वही होगा, और उसे वर्टिकल चेक करेंगे तब भी। तो बताएं मिस्टर साहब कौन सा नंबर होना चाहिए? 24। लो जी 24 नंबर मिस्टर साहब ने बताया। अब हम इसे चेक करेंगे 24 को। उसके लिए देखिए मुझे कितना टाइम लगता है, मैं इसे फौरन से लिखूंगा। जी तो दोस्तों अब ये टेबल मुकम्मल हो चुका है, ये मैजिकल टेबल आपके सामने। आप देखें आप इसे काउंट करके चेक करें, 7182 हुआ प्लस 12 किया और 4 इसमें ऐड किया तो आपके पास बनता है 24। अच्छा जी आप इसे ऐड करें, ये हुआ 10, 10 में 3 ऐड करें 13, 13 में 11 ऐड करें, ये देखें 24। आप इस तरह चेक करें, ये 10 और 16, 16 में 3 ऐड करें 19, ये 5 ऐड किया तो 24। आप इस तरह ऐड कर लें, यहाँ से देखें जी 9 और ये 15, 15 और 9 24 होता है। यू आप इसे वर्टिकल चेक करें, 7 और 9 हुआ, 9 में आप इसको ऐड करें 15, 15 में 9 ऐड किया तो 24। इसे चेक करें ये भी 24, इसे चेक करें ये भी 24, इसे चेक करें ये भी 24, है ना मैजिकल। अभी मैजिक बाकी है। आप यहाँ पे यूं कर सकते हैं, ये देखें ये डायगनल की शेप में आप जाएं, यू यू डायगनल की शेप में आप इसे चेक करें, ये देखें जी 7 और 3 10 हुआ, 10 20 हुआ और 4 24। क्या बात है जी, क्या बात है इस मैजिकल टेबल की। अब आप चेक कर ले इस तरह डायगोनल के अंदर, वाह जी वाह। मैंने आपको बताया ना ये बहुत ही मजे का मैजिकल टेबल है, आप जब दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे आप खुश हो जाएंगे। ये देखें जी 9 और 12, 4 और 8 ये भी 12, 12 टू 12 का कितना हुआ जी 24। अच्छा अभी मैजिक खत्म नहीं हुआ, अभी तो और मैजिक पड़ा हुआ है। आप इन 4 नंबर्स को चेक करें, इनको ये देखें, ये 10 और ये 4 कितना हुआ 14, 5 और 5 10, 14 और 10 ये कितने दोनों चारों मिलके हो गए, ये भी 24 हो गए। आप इन्हें चेक कर लें इन 4 को, ये देखें आप 6 और 6 आपके पास हुआ 12, 9 और 3 फिर हो गया 12 और देखें ये भी बन के सारा मिलके बनता है 24। आप इन्हें चेक कर लें, ये भी आपका 24 बनेगा। आप इसे चेक करें इन चारों को, ये भी आपका 24 बनेगा। अच्छा इसी तरह से आप अपने इस टेबल में किसी भी नंबर को, आप मुझे कोई भी नंबर बताएं तो ये 24 ही बनता है। देखें जी कितना मैजिकल, कितना जबरदस्त टेबल है। अब इसके पीछे सीक्रेट क्या है, राज क्या है, उसके लिए आपको रहना होगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि इसका सीक्रेट है इसके अंदर, वो सीक्रेट हम 3 स्टेप में सीखेंगे। ठीक, जो इसका पहला स्टेप होगा ना वो जरा आप देखें, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने ना कुछ फर्स्ट स्टेप है इसका कि उसमें हमने कुछ नंबर्स हैं जिनको एज इट लिखना है। हर नंबर के अंदर चाहे आपको नंबर कोई भी दे दिया जाए, चले हम नंबर एक ले लेते हैं 35, चले हम इस 35 का टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है कि आपने कुछ नंबर्स हैं जो आपने हमेशा हर नंबर के लिए वही लिखने हैं। जो भी आप अपने फ्रेंड को कहेंगे कि वो नंबर बताए, वो आपको 22 से 99 तक कोई एक नंबर बताता है, लेकिन जो स्टार्ट आपने करना है ना वो हमेशा ये ऐसे ही करना है। आप यहाँ लिखेंगे 5, 4, इधर 1,
एट, इधर आपने लिखना है थ्री और सिक्स, इधर लिखना है आपने सेवन और टू। ये आपने हर दफा यूं ही लिखना है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अब इसका दूसरा स्टेप होगा आपको, आप जरा गौर करें तो मैंने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए टेबल बना के दिखाया था। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने ना यहाँ लिखना है नाइन, यहाँ लिखना है टेन, यहाँ लिखना है अलेवन और यहाँ लिखना है ट्वेल्व। ये आपके हो गए दो स्टेप। ये दो स्टेप आपने हर सवाल के अंदर इसी तरह ही फॉलो करनी है। इसके बाद अब जो नंबर आपको गिवन होगा, जो 35 में जैसे मैंने लिखा है, अब इसको आपने लेके चलना है कि इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए ये हमेशा 20 ही होगा, 12, ये 19 और ये 20। आप इस 35 में से ये सम निकालें ना, इसका कितना बचता है, 15 बचता है ना, वो आप 15 यहाँ लिख दें। बहुत आसान तरीका। अब 15 हमने यहाँ लिख दिया, इस 15 से एक ज़्यादा आपने यहाँ लिखना है, ठीक, इससे एक ज़्यादा आपने यहाँ लिखना है और इस 15 से एक कम आपने यहाँ पे लिख देना है 40। आप देखें आपका मैजिकल टेबल है। अब आप इसे चेक कर लें। ये देखें जी, इस तरह आपने इसका सम किया, ये है आपके पास 35। आप सेकंड रो का सम देखें, ये 11, 19, 19 में आप 2 ऐड करें 21, 21 में 14 ऐड करें, ये भी 35। ठीक, आप इसे चेक कर लें, ये आपके पास 15 हो गया। 15 में आप 3 ऐड कर लें, ये बन जाएगा आपके पास 18, 18 में 17 ऐड करने पर 35। अच्छा, दोनों ऐड करें, ये आपके पास 20 हो जाएगा, 26 और ये 9 होगा तो 35 आपके पास बन जाएगा। आप इसे यूँ चेक कर लें तो ये इस तरह से भी आपके पास 35 बनेगा। आप ये कॉलम चेक करें, ये भी 35। आप इस कॉलम को भी चेक करें, ये भी 35। आप इस कॉलम को चेक करें, ये भी 35। इसके बाद जैसे हमने किया था कि आप इसका ये डायगनल चेक करें, तो आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसके डायगनल में भी सम जो है वो 35 होगा। आप इसका ये डायगनल चेक कर लें तो ये डायगनल भी आपका 35 ही होगा। फिर इसके बाद आपने ये नंबर्स, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया, आप इन फोर नंबर्स को चेक करें, ये फोर नंबर्स, ये फोर नंबर आपके भी 35 होंगे। आप इन्हें चेक कर लेंगे, देखें जी आपके पास है ये 15 और ये 26, 26 में ये 9 ऐड होगा तो ये भी 35 हो जाएगा। आप इन्हें चेक करके देख लें, ये 14 और ये हो जाएगा आपका 21, 21 में 2 ऐड करें 23, 23 में इसे ऐड किया तो ये भी सारे मिलके 35 ही होंगे। इसी तरह से इन सब का सम मैंने पहले लिख लिया और इन चारों का सम भी 35 ही होगा। तो ये था जी इसका सीक्रेट जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये सीक्रेट पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की एजुकेशनल जो है वो वीडियोज़ के साथ साथ इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं वो भी आपके लिए बनाता रहूँ। तो ठीक है जी, फिर हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।